नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीआईटी एनसीईआरटी के खास लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। नवी कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं हमारा एक कार्यक्रम जो कि सोशल साइंस का है, पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। अगर आप हमें कोई भी सवाल भेजना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। अगर आप हमें फोन करना चाहें तो नंबर होगा 8800440559। आज की जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भाग 2। अगर आपने किसी भी कारणवश भाग 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर। चलिए आपका मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, मिस्टर गोपाल प्रसाद शाही। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम, आपका और सभी दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। हम आपका परिचय दर्शकों से करवाना चाहेंगे। सर हैं लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार नई दिल्ली से। तो चलिए सर से ही सबसे पहले पूछते हैं कि आज हम इस भाग 2 में क्या सीखने वाले हैं, और उससे पहले हम जानना चाहेंगे क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में जुड़े हुए हैं, तो सर पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था एक बार उसका एक छोटा सा समअप हमारे दर्शकों तक दीजिएगा। निश्चित रूप से। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगा कि इसी माह की 12 तारीख को हमने एक लाइव सेशन लिया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन संविधान निर्माण भाग 1, और उसके अंतर्गत कि संविधान क्या होता है या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग संविधान किसे कहते हैं, संविधान के कौन कौन से कार्य हैं, और किसी भी देश अथवा समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें संविधान की क्यों ज़रूरत होती है, या क्या दुनिया के तमाम देशों में संविधान होता है या केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही संविधान होता है। और उसमें हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि आपके पाठ्य पुस्तक में 2 देशों का विशेष तौर पर रेफरेंस दिया गया है, एक है साउथ अफ्रीका का और दूसरा है आपको भारत का। तो अपने पिछले सेशन में हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में रंगभेद की सरकार थी, और जिसके तहत बमुश्किल जो वहाँ की कुल आबादी का 10% रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने लंबे समय तक साउथ अफ्रीका के ऊपर शासन किया, और वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है उसका लगातार अनवरत शोषण होता रहा। और आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा कि उनको देशद्रोह के मुकदमे में किस तरह से 1964 में जेल में बंद कर दिया जाता है, और तकरीबन 27 वर्षों तक जेल में गुजारने के बाद फिर जब वहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगते हैं और वहाँ की गोरी सरकार को लगता है कि अब आगे अपने शासन को कंटिन्यू रखना उतना आसान नहीं है, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी वहाँ की सरकार के ऊपर पड़ रहा था, तो अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका में जो गोरी सरकार थी उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 1994 से 1996 के बीच में एक नया संविधान बनाया जाता है, और उस संविधान की बहुत सारी खासियतें थी या हैं जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली कक्षा में किया हुआ था, और हमने यह भी बताया हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका अपने रंगभेद की सरकार की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम थी, कैसे वहाँ पे जो बहुसंख्यक लोग थे उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा था, और आज वही साउथ अफ्रीका दुनिया के जो चंद खूबसूरत संविधान हैं दुनिया के, उन चंद बेहतर संविधानों में से एक साउथ अफ्रीका का संविधान है, तो कैसे वहाँ पे व्यापक बदलाव आया, कैसे वहाँ की जो मैंने श्वेत लोग थे और अश्वेत लोग दोनों इकट्ठे एक साथ बैठते हैं, और एक बेहतर साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कैसे एक खूबसूरत संविधान का वो निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो रही बात साउथ अफ्रीका की, और तब भी हमने बताया था आप लोगों को कि हमारे देश का जो ये संघर्ष है, हमारे देश में जो आज़ादी का एक लंबा संघर्ष चला है वह साउथ अफ्रीका से काफ़ी मिलता जुलता है। हमने देखा है कि किस तरह से हमारे देश में भी लंबे समय तक अंग्रेजों की हुकूमत रही, और उस दौरान जो बुनियादी सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो हम लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके लिए अनवरत संघर्ष हुए हैं हमारे देश में, कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, और फिर कहीं जा कर के
हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद होता है, लेकिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ उससे पहले ही हमारे देश में संविधान निर्माण की बात चल रही थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत में किस प्रकार का संविधान होगा, उस संविधान से हमारी क्या अपेक्षाएं होंगी, या किस तरह से हम एक ऐसे खास करके देश के लिए जहां बहुत बड़ी आबादी है और जहां आबादी में भी बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है, तो जहां पे सभी लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो, तो उसके लिए किस तरह के किस किस्म के संविधान को बनाने की ज़रूरत थी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में इस बात को लेकर के मांग उठ रही थी, और 1946 में कैसे संविधान सभा का गठन होता है, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, और तकरीबन 3 वर्षों के अथक प्रयास के बाद अंततः भारत का संविधान 1949 के आखिर में बनकर तैयार होता है, 1950 में हम लोग उसे लागू करते हैं। तो हमारे देश की संविधान की कौन कौन सी खासियतें हैं, किस किस तरह के लोग संविधान सभा में शामिल किए गए थे, या संविधान सभा किसे कहते हैं, मुझे लगता है कि आज के का जो हमारा सेशन है उसमें इन तमाम बातों के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संविधान है, किसी भी देश को, भारत को या किसी भी और देश को, संविधान की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? जैसा कि हमने पहले भी कहा, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई विद्यालय हो, कोई संगठन हो, तो हर संगठन हर संस्था को चलाने के लिए कुछ न कुछ कायदे कानून बनाने होते हैं हमें, ताकि सभी लोग उस दायरे में रह करके अपने अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें, या कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए कि किसी दूसरे के अधिकारों को उनसे छीन ले या दूसरों को सुपरसीड करने की कोशिश करे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हर देश और समाज के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। और यहाँ देखें कि कुछ पॉइंट्स में बताए गए हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। तो ये क्या है, ये नियमों का, कानूनों का एक संकलन है, और उस किसी देश विशेष में रहने वाले सभी लोग, यानी जिस देश का वह संविधान है वहाँ सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, सरकार और व्यक्ति के बीच में किस किस्म के संबंध होंगे, उसी प्रकार से कि हम किन लक्ष्यों को लेकर के या कौन कौन से हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात का भी जिक्र संविधान में होता है। और देखें तो किसी भी समाज को बेहतर तरीके से स्मूथली रन करने के लिए, या टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट अमंग डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो हम सभी देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि किसी भी समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं, जिनके अपने अपने मकसद होते हैं, जिनके अपने अपने हित होते हैं, तो उन विभिन्न लोगों के बीच में किस प्रकार से एक भरोसा, एक ट्रस्ट पैदा किया जाए और ऐसा सभी लोगों को लगे कि इस देश का जो संविधान है यह हमारे लिए है, हम हमारी भी भलाई, ठीक है, और हमारे भी विकास की तमाम जो संभावनाएं हैं इस देश के संविधान से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें किसी भी देश के संविधान में उल्लिखित होती हैं। उसी तरह से कहता है कि टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि किसी भी देश में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें होती है। डेमोक्रेसी में भी कहीं पे संसदीय शासन प्रणाली होती है तो कहीं पे आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या शासन का स्वरूप कैसा होगा, सरकार का चयन किस प्रकार से होगा, सरकार के चयन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और सरकार के जो अधिकार हैं वो भी अनलिमिटेड नहीं होंगे, उसके ऊपर भी कई किस्म के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई तरह के फ्रीडम लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र कहाँ पे होता है, तो देश के संविधान में होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमने बताया कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्यारे बच्चों हमने कहा कि संविधान निर्माण का काम वो आसान नहीं होता है जी। और एक जैसे कहते हैं कि ग्रुप जिसमें काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, जिनकी विशेषज्ञता एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है, उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। तो जिस समूह के द्वारा किसी भी देश के संविधान को लिखने का, बनाने का काम या निर्माण करने का काम किया जाता है, हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो हमारे देश में भी आपको जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ,
और संविधान सभा में हमारे यहाँ उस समय दो प्रकार के भारत थे, एक थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और एक थी देसी रियासतें। तो उस संविधान सभा में कोशिश की गई कि जो ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं उनके भी नुमाइंदे हों और साथ ही साथ जो देसी रियासतें हैं उनके भी उसमें नुमाइंदे हों। तो कुल मिलाकर के उसमें 389 मेंबर्स थे, किसमें, भारत के संविधान सभा में। और उन 389 मेंबर्स में से जो 296 जो सदस्य थे जी। वो सदस्य ब्रिटिश भारत के जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, वहां से चुने गए थे। और जो बाकी के 93 जो मेंबर्स थे वो देश के देसी रियासतों से। तो रियासत का मतलब होता है या जो प्रिंसली स्टेट की कोई एक ऐसा राज्य है या क्षेत्र है जिसका शासन किसी राजा या रानी के द्वारा संचालित होता है। तो हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश में भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, तो जिन जो है ना राज्यों के ऊपर राजा या रानी का शासन होता था हम लोग उसे प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके ऊपर अंग्रेजों का शासन था, वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस कहते थे। तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से कुल मिलाकर के 296 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव हुआ है। और उस वो भी चुनाव किस प्रकार से हुआ था, तो हमारे देश में 1937 में आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का या प्रांतीय विधानसभा का हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्शन हुआ था। हालांकि उस समय जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होता था, लिमिटेड लोगों को ही वोट देने का अधिकार उस दौरान प्रदान किया गया था। और तो उससे कुल मिलाकर के 292 मेंबर्स आते हैं। और एक था चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस, तो उसके अंतर्गत चार जो है ना आते थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो वहां से भी एक एक प्रतिनिधि चुने गए थे। तो कुल मिलाकर के 296 जो मेंबर्स चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो मेंबर्स कहां से आए, तो वो आए आपको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से। और जो रिमेनिंग 93 मेंबर्स थे वो आते हैं आपको प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासतों से। अब जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर आपको राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो प्रांतीय असेंबली के मेंबर्स थे उन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का चुनाव किया था। और 9 दिसंबर 1946 को कहते हैं कि इसकी पहली बैठक होती है। और फिर लगभग दो वर्ष 11 महीने और 18 दिन तकरीबन तीन साल का वक्त गुजरता है। और फिर दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों से भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे हम कहते हैं कि इक्वलिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, तो इसकी जो प्रेरणा, इसका जो इंस्पिरेशन हम लोगों को मिला वो फ्रांसीसी क्रांति से। उसी तरह से यूएसए का जो है बिल ऑफ राइट्स है, नागरिक अधिकार पत्र है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने देश के संविधान में शामिल किया है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सोशलिस्ट पैटर्न है उसमें क्या होता है कि जो भी लैंड हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर किसका स्वामित्व, ऑनरशिप किसका होता है, स्टेट का होता है। और स्टेट के द्वारा पर्सनल बेनिफिट में कोई काम नहीं किया जाता है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर में जो है ना कार्यों को अंजाम दिया जाता है। तो इस तरह से दुनिया के बहुत सारे देशों की अच्छी अच्छी बातों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। और कहते हैं कि बहुत सारी उसमें कमिटियां बनी हुई थी और हर एक कमिटी में एक्सपर्ट लोग थे और क्लॉज बाय क्लॉज, ड्राफ्ट बाय ड्राफ्ट उसके ऊपर चर्चा हुई। और हमेशा इस बात की कोशिश की गई कि छोटे से लेकर के बड़े जो भी प्रावधान, जो भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, वह बहुमत के आधार पर नहीं बल्कि सभी लोगों की मैंने सर्वानुमति प्राप्त करने की जो है इनकी कोशिश की गई थी। और इवन आप देखें कि संविधान बनाने में तकरीबन 3 साल लगे, तो उसमें बहुत से मैंने बहसें हुई हैं, लंबी जो है ना
ये वाद विवाद उसमें हुए और उन तमाम चीज़ों को कहते हैं कि 12 वॉल्यूम्स हैं जिसमें कि वो सारी चीज़ें संकलित हैं, जो भी डिबेट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तकरीबन 3 वर्षों में, जो संविधान है वो अलग है और संविधान सभा की जो बहसें हुई हैं, जो उसमें बैठ के हुई विभिन्न विषयों के ऊपर जो चर्चा हुई, तो कुल मिलाकर के वो 12 वॉल्यूम्स में आज भी जो है ना वो उपलब्ध है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे, जानना चाहे, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या कोई भी देश का नागरिक, कि किन किन मुद्दों को लेकर के कितनी बैठकें हुई, कितनी चर्चा हुई, विभिन्न लोगों के उसमें क्या राय थे, तो तमाम उस तरह की बातों को जो है आज भी पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई तो जरूर इसे पढ़ना चाहेगा। और ऐसा हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था आजादी के एकदम तुरंत बाद, पर आज उस बात को 75 साल हो चुके हैं, क्या उसमें बदलाव भी आते रहते हैं या फिर जो एक बार बन गया था वो बन गया था? नहीं, हम लोग देखे हैं, जैसे उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक दो जैसे बुनियादी बातें हैं बच्चे देखे इसके माध्यम से इस स्लाइड में, कि जब हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को हमने लागू किया, तो उस वक़्त हमारे देश के संविधान में कुल मिलाकर के 8 शेड्यूल्स 8 अनुसूचियां थी, इसके 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे, और आज की अगर तारीख में हम लोग देखें तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 इसके शेड्यूल्स हैं। तो निश्चित रूप से मैंने ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का जो संविधान है वह क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मैंने ऐसा नहीं कि कोई वो रिजिड हो या कोई ऐसा कि एक दफ़े जो हमने बना दिया आज से 72 साल पहले वही हमेशा चलता रहेगा, उसमें समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो बड़े ही समझदार थे, होशियार थे और इस बात की भी गुंजाइश देश के संविधान में रखी गई थी कि भविष्य में हम अपनी जरूरतों के हिसाब से या बदलते हुए समय में अगर कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी तो उसे भी हम लोग अपने देश के संविधान में शामिल कर सकें। और हम लोग देखते हैं कि 104 से ज्यादा जो है या 104 संशोधन हो चुके हैं, तो हमारे देश का जो संविधान है वह रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, तो बहुत सारे उसमें संशोधन हुए हैं समय के, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया उस समय जो मिनिमम आपको ये जो वोटिंग थी वो 21 ईयर्स थी, तो 1989 में हमने उसमें अमेंडमेंट लाया और उसको 18 ईयर्स कर दिया, तो लगा कि भाई कि समय बदल रहा है और अब 18 साल की उम्र में ही बच्चे इतने ग्रोन अप हो जाते हैं या इतने वो मेच्योर्ड हो जाते हैं कि वो बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे देश के संविधान में किया गया है, तो इस हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत का संविधान रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है और समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव की पर्याप्त गुंजाइश है और हमारा संविधान काफ़ी बदला भी है। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बेसिक कैरेक्टर से है जिसके ऊपर हमारे देश का संविधान बनाया गया था, आज भी वो इंटैक्ट है और देश के सभी लोगों की उनमें आस्था है। जैसे एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो इस क्लास के में जो दो देशों का उदाहरण दिया गया है, साउथ अफ्रीका और भारत का, तो साउथ अफ्रीका में क्या था, जो श्वेत और अश्वेत लोग थे वहाँ पे, तो दोनों ही एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, तो जब वहाँ पे संविधान निर्माण का काम चल रहा था तो दोनों के मन में डाउट थे, दोनों के मन में इस प्रकार के संशय थे कि कहीं ऐसा संविधान न बन जाए जैसे हमारे जो हित हैं वो सुरक्षित ना रहे। लेकिन भारत में उस तरह का कोई संशय नहीं था। जैसे 1928 में कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने पहली दफ़े जो है एक नेहरू रिपोर्ट यानी संविधान को प्रस्तुत किया था, 8 और लोगों ने उनको सपोर्ट किया हुआ था। उसी तरह से 1931 में भी जो है पहली बार मैंने मांग की गई या इस चीज़ को स्वीकार किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत का संविधान किस प्रकार से होगा। उसी तरह से 1934 में एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की बात की थी। 1935 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग को ये अपने जो है अधिवेशन से स्वीकार किया, तो देखें चाहे वो 1928 का आपको नेहरू रिपोर्ट हो या 1931 का जो कराची अधिवेशन में जो कांग्रेस का प्रस्ताव है उसको अगर हम लोग देखें, तो पहले से ही बहुत सारे लोग थे कि भाई जब हमारे देश का संविधान तैयार होगा तो जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि देश के सभी लोग जब एक निश्चित एज को प्राप्त कर लेंगे तो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को राइट टू वोट प्राप्त होगा। उसी तरह से जैसे राइट टू फ्रीडम है एंड इक्वलिटी है कि सभी लोगों को आपको आज़ादी मिलेगी, सभी लोगों को समानता प्राप्त होगी, या उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जो हैं यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको पर्याप्त जो है आपको ये हमारे देश में प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है जब हमारे देश में संविधान का निर्माण प्रारंभ भी नहीं हुआ था तो उसके पहले से ही विभिन्न गुटों में बहुत सी बातों को लेकर के सहमति थी। और हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के दौरान भी देखा कि चाहे जैसे कहते हैं कि नरम दल गरम दल दो प्रकार के थे, एक चीज मैंने वर्ग ऐसा था जो चीजों को रातों रात बदलना चाहते थे, जल्दी जल्दी बदलना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग जो है वो ये हिंसा के रास्ते फिर चल करके आजादी प्राप्त करना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि दोनों की नियत में किसी किस्म की कोई खोट नहीं थी, दोनों ही जो है ना देश की आजादी के दीवाने थे, तरीके अलग अलग थे। तो हमारे देश में हमेशा मत अलग अलग रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जब आजादी के बाद भी संविधान निर्माण का काम प्रारंभ हुआ तो विभिन्न मतों को उसमें सुनने समझने और उसके आधार पर कोई बेहतर निर्णय लेने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे एक चीज देखें, हम लोग ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं और जो हमारे देश के संविधान का प्रीएम्बल है जिसको हम लोग प्रस्तावना एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो सारांश होता है, वो जो है ना आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है या बेसिक फिलॉसफी होती है, मतलब किसी चीज के जिसके ऊपर सभी लोग मोटे तौर पर सहमत होते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है उसकी शुरुआत ही होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के का जो संविधान है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कहते हैं कि हम भारतीय लोगों ने, हालांकि हम भारतीय यानी देश की जनता ने डायरेक्ट नहीं किया था बल्कि जनता के जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। उसी तरह से भारत को एक सॉवरेन, मैंने जो मोटी मोटी बातें हैं इसकी, अब सॉवरेन का अर्थ होता है कि भाई इंटरनल मैटर में एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में हम कोई भी निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, हमारे मामले में किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसी तरह से भारत को कहते हैं कि एक सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट का अर्थ हमने जैसा पहले ही कहा कि जो भी लैंड है जो भी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, तो राज्य का कंट्रोल होगा और राज्य उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल सभी लोगों की भलाई के लिए, सभी लोगों की बेहतरी के लिए करेगा। उसी तरह से सेक्युलर है, अब इसका अर्थ होता है कि भाई मैंने राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, रिलीजियस मैटर में देश की जनता स्वतंत्र होगी, जिस धर्म को अपनाना चाहें, जिस धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहें, पूजा पाठ करना चाहें, या एक धर्म को छोड़कर कोई दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, उसमें राज्य की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसी तरह से डेमोक्रेसी है कि भाई हमने शासन का कौन सा, तो प्रजातंत्र, जिसमें जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके माध्यम से शासन का काम किया जाता है। रिपब्लिक जो है वह भी हमारे देश के संविधान का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य का जो मुखिया होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, मैंने ही और सी विल बी इलेक्टेड, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है जी। तो प्रेसिडेंट का हमारे देश में चुनाव होता है, वंश परंपरा के आधार पर वो अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जस्टिस है कि सभी लोगों के साथ न्याय होगा, जाति है, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को राइट टू कहने के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, थॉट्स हैं, बिलीफ्स हैं, कि उसकी आज़ादी होगी कि हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से है कि इक्वलिटी है, सभी लोगों इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी,
इसी प्रकार से है कि भारत फ्रेटर्निटी है कि भारत में सभी लोग मिलजुल करके एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। और हम लोग तो न केवल अपने ही देश में भाईचारे के साथ रहने की बात करते हैं, हम लोग तो इवन की वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी पूरे संसार को अपना हम लोग परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हमारे देश के संविधान की, या जो खासियतें हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो तमाम पक्षों में इस बात को लेकर के काफी सहमति उस दौरान देखने को मिली थी। और अगर आप देखें तो 1931 में महात्मा गांधी ने एक मैगजीन यंग इंडिया में कहा था कि आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेलडम एंड पेट्रोनेज। वो कह रहे हैं कि हम एक इस तरह से भारत के संविधान को देखना चाहेंगे जो हर तरह की जो दास्ता है या गुलामी है, संरक्षण है, उससे हमें मुक्ति दिलाएगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। कि भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह मैंने महसूस करेगा कि यह देश उसका अपना है, इस देश के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी, कहते हैं, नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल, जिसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, कि जो है ना सही तालमेल और मेलजोल के साथ सभी लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश का, जैसे देखिए लास्ट सेंटेंस है कि वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन, या जिस तरह से आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये बात आज से जो को ध्यान में रखते हुए हम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में सर ने हिस्सा लिया और कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसके बारे में हमें बहुत कुछ बताया, उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से उसका निर्माण हुआ था, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कहां कहां से आए थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हो सकता है इसमें बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए इस चैप्टर में, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एग्जैक्टली, अगर एक दो पॉइंट इसमें जैसे भी रह गए हैं और मैं और बिल्कुल भी समय नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी बातचीत है। आपके पास कोई भी सवाल हो तो हम तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद एक बार फिर से सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैथ्स का एक अगला कार्यक्रम आप सभी के सामने लेकर हाजिर होंगे थोड़ी देर में, और जिस विषय पर बातचीत होगी वो होगा क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 4। स्टे हियर, डोंट गो एनीवेयर, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार।